तो हाई एवरी वन वेलकम टू द चैनल और होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल सो गाइस आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इफ आई टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन तो गाइस आप जावा का इंटरव्यू दे लो ठीक है टेक्निकल राउंड वन में मे बी आपसे नहीं पूछा जाए बट सेकेंड राउंड में आपसे पूछा जाए हो सकता है कि अगर आपको टेक्निकल uh, सिर्फ एक ही राउंड है तो उसमें तो डेफिनेटली ये पोश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है और टॉपिक क्या है डिजाइन पैटर्न इवन आप uh, दो साल का एक्सपीरियंस है तीन साल का एक्सपीरियंस डज नॉट मैटर फाइव फाइव इयर्स का एक्सपीरियंस है ठीक है फिर भी आपसे डिजाइन पैटर्न एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं पर्सनली आई हैव ऑब्जेक्ट मेनी इन द मेनी इंटरव्यू डिजाइन uh, पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से भी जो मोस्टली जो पूछे जाते हैं वो एक से लेके पाँच चार साल पाँच साल तक के एक्सपीरियंस वाले से मोस्टली तीन डिजाइन पैटर्न जो कि uh, क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न का आपको सिंगल्टन डिजाइन पैटर्न फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न एंड एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न यही तीनों में से कोई ना कोई एक आपसे इंटरव्यूअर पूछता है और नॉट ओनली आपसे थ्योरी पूछते हैं बल्कि लॉजिकली वो आपको टेस्ट भी करते हैं एंड मेनी इन द मेनी इंटरव्यू दे आस्क टू राइट द कोड ऑल्सो सो गाइज अगर

आफ्टर सम टाइम लाइक वन वीक टू वीक और थ्रू थ्री डेज फोर डेज हम लोग भूल जाते हैं तो आपको वो चीज़ें ध्यान में नहीं रखना है थ्योरी रटना नहीं है क्योंकि इंटरव्यू में जब आप बोलने जाओगे रटा हुआ थ्योरी तो आप भूल जाओगे तो आपको कोड समझना है और कोड के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन करना है एंड दैट दैट इज़ गोइंग टू वी अफेक्टिव सो बेसिकली सिंगल टन डिजाइन पैटर्न होता क्या है उस चीज़ को समझते हैं तो बेसिकली सिंगल टन डिजाइन पैटर्न का यूज़ हम लोग तभी करते हैं जब लेट सपोज कि हम लोग चाहते हैं कि जो होल एप्लीकेशन में मेरा जो ऑब्जेक्ट है ना एक ही क्रिएट हो मल्टीपल टाइम जब भी उसका कॉल हो उस क्लास को कॉल करें तो हम लोग उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाए सिर्फ वन टाइम क्रिएट हो बेसिकली इस टाइप का यूजेज़ जो है ना इसका एप्लीकेशंस की अगर बात की जाए तो हम लोग डेटा कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि देखो जब एप्लीकेशन स्टार्ट होता है ना तो यार हमें बार बार कनेक्शन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए ठीक है तो वहाँ पर हम लोग इस चीज़ का यूज कर सकते हैं बेसिकली सिंगल्टन डिजाइन पैटर्न का यूज अगर थ्योरी हिंदी भाषा में अगर शुद्ध देशी भाषा में बोले तो हम लोग सिंगल्टन डिजाइन पैटर्न का यूज करते हैं जहाँ पे हमें सिर्फ वन टाइम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो और उस ऑब्जेक्ट को मल्टीपल प्लेसेस में हम लोग यूज कर सकते हैं ठीक है इसी चीज़ को हम लोग कोड के थ्रू देखने वाले हैं वही थ्योरी ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ पे मैंने कोड लिख रखा है तो यहाँ पे देखो सिंपली आपको एक कोई भी क्लास क्रिएट कर लेना है और उसके अंदर क्लास पे आपको एक यू नो इंस्टेंस वेरिएबल जो कि स्टैटिक वेरिएबल होगा स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो कि हमारा कार के नाम से है ठीक है उसके बाद आपको कंस्ट्रक्टर जो यहाँ पे क्रिएट करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट थी ये चीज़ें बार बार इंटरव्यू में आपसे जब आप कोड लिखोगे तो पूछ देते हैं कि यहाँ पे प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्यों क्रिएट कर रहे हो ठीक है तो बेसिकली जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो यूनोगा you इस know जावा में जब भी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो बाई डिफॉल्ट हमारा कंस्ट्रक्टर ही कॉल होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है अगर हम हम लोगों ने कोई यू नो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जब भी ऑब्जेक्ट इंस्टेंसी होता है तो तो गाइस यहाँ पे इस चीज़ को अगर जब हम लोग प्राइवेट करेंगे ना तो जब भी इस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का कोशिश करेंगे ठीक है दूसरे क्लास में तो हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्टर जो है वो प्राइवेट है तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर आई मीन जब प्राइवेट होता है तो हम लोग इसको प्राइवेट को दूसरे क्लासेस में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं तो इसी चीज को अभी देखेंगे यहाँ पे आपको क्या करना है एक सिंपल सा स्टैटिक मेथड डिफाइन करना है जो कि आपको एक ऑब्जेक्ट कार क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हो और उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है इफ कार इक्वल इक्वल टू नल होता है नल मीन्स कि ऑब्जेक्ट पहले नहीं बना है तभी कार इक्वल टू न्यू कार कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है और जस्ट सिंपली रिटर्न कर देना है कार ऑब्जेक्ट को सो गाइज यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब भी हम लोग यू नो कार क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहेंगे ना तो हम लोग डायरेक्टली नहीं क्रिएट कर सकते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करना पड़ेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन यहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे पूछ देते हैं क्योंकि एक बार मैं भी जब स्टार्टिंग में मैं इंटरव्यू दे रहा था तो ये स्टैटिक की मैं भूल गया था तो फिर उन्होंने मेरे से पूछ बेसिकली पूछ दिया कि चलो ठीक है तुमने कोड uh, किया अब इस चीज़ को डिफरेंट क्लासेस में कॉल करके मुझे बताओ कि कैसे तुम कॉल करोगे तो बिकॉज um, उस समय मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था और uh, क्योंकि मैं एस्थेटिक भी नहीं यूज किया था तो मैं डायरेक्टली इस गेट कार जो मेथड है जो कि हमारा एक कार ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है ऑब्वियसली नहीं कॉल कर पाएंगे क्योंकि सिर्फ स्टैटिक मेथड को हम लोग क्या कर सकते किसी भी कहीं भी कॉल कर सकते किसी भी क्लासेस में तो जब तक अगर वो स्टैटिक मेथड नहीं है तो हम लोग नहीं कॉल कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ देखो मेरा पे एक क्लास नाम का कार है ठीक है जो कि यहाँ पे एंड होता है उसी के नीचे में मैं एक मेन मेन क्लास क्रिएट किया हूँ ठीक है आप क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हो अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ मैं ट्राई करता हूँ कार uh, का ऑब्जेक्ट बनाने का कंस्ट्रक्टर का यूज करके ठीक है तो सिंपली मैं क्या करूँगा कार ऑब्जेक्ट न्यू न्यू क्यूबर्ड का यूज करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं इक्वल टू न्यू एंड देन कार को कॉल करेंगे तो कहीं से यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है एयर दे रहा है कंपाइल टाइम मेरे मेक कार एज अ पैकेज प्राइवेट बिकॉज हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते हैं अब लेट सपोज मुझे कार क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए इस पर्टिकुलर मेथड में तो कैसे हम लोग कॉल कैसे uh, ले, उस कार क्लास का ऑब्जेक्ट डिगेट कर सकते हैं तो उसके लिए सिंपल सा जो हमने स्टेटिक मेथड यहाँ पे बना रखा है तो यहाँ पे देखोगे हमारा गेट कार नाम का जो क्लास है वो एक स्टैटिक मेथड है तो इसको कॉल करके हम लोग क्या कर सकते हैं इसके ऑब्जेक्ट को गेट कर सकते हैं तो उसके उसके लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा आपको कार क्लास को के अंदर में चूँकि कार क्लास के अंदर में हमारा स्टैटिक मेथड है तो कार डॉट गेट कार को आप कॉल कर लीजिए सो गाइस यहाँ पे देखो हमारा अभी ये हो गया अभी इस चीज़ को आ, प्रिंट करना चाहते हो तो नॉर्मली आप प्रिंट कर सकते हो चलो मैं इस चीज़ को प्रिंट करके दिखा देता हूँ येस आउट कर देता हूँ ठीक है येस आउट एंड इसके अंदर में गेट कार और इसका हैश कोड मैं प्रिंट कर देता हूँ हैश कोड ठीक है कोड दैट वुड बी बेटर अभी मैं इस कोड को रन करता हूँ so, यहाँ पे देखो को, हमारा हैश कोड रिटर्न करा इवन की आप इस चीज को मल्टीपल टाइम क्यों ना कॉल कर लो ठीक है मल्टीपल टाइम भी कॉल करोगे हमेशा इसका हैश कोड क्या होगा सेम ही रिटर्न करेगा मैं अभी करके आपको दिखा देता हूं सुख देखो, अगर इसी चीज को मैं लेट सपोज मैं कंस्ट्रक्टर को क्या करता हूँ प्राइवेट नहीं करके इसको पब्लिक बनाता हूँ ठीक है पब्लिक पब्लिक बना दिया अभी मैं क्या करूंगा हर बार एक नया यू नो ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो गाइज यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा ये अभी इस मेथड को नहीं कॉल करना पड़ेगा उसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा तो मैं इस चीज़ को क्या करता हूँ कमेंट करता हूँ ठीक है कमेंट uh, किया अभी मैं कार का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा कार ऑब्जेक्ट वन इक्वल टू न्यू कार ठीक है हमारा ऑब्जेक्ट वन हो गया एंड फिर से ऑब्जेक्ट टू बनाएंगे कार ऑबी टू इक्वल टू न्यू कार ठीक है और दूसरा ऑब्जेक्ट अब मैं सिंपली एस आउट करूंगा ठीक है और दोनों के हैश कोड को प्रिंट करके मैं दिखाऊंगा, ठीक है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट वन ठीक है एंड प्लस uh, कर देते हैं और इसको एक सेपरेट कर देता हूँ ताकि एंड देन ऑब्जेक्ट टू ठीक है मैं इस चीज़ को चलो रन करता हूँ अभी देखना दोनों का हैश कोड जो है ना वो डिफरेंट प्रिंट होगा दोनों का हैश कोड डिफरेंट आएगा सॉरी एक्चुअली मेरे को हैश कोड प्रिंट करना है तो मैं हैश कोड ठीक है देखो यहाँ पे दो, दोनों का है उसको डिफरेंट है ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू का तो इस तरीके से देखो इसका कुछ कुछ ड्रॉबैक भी है इस तरीके से हम लोग नहीं स्टैटिक क्रिएट कर सकते हैं यू you नो know, रिफ्लेक्शन वगैरह अगर आप रिफ्लेक्शन आपको पता है तो रिफ्लेक्शन वगैरह का यूज़ करके यू नो फोर नेम का या क्लोन का यूज़ करके हम लोग नया ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं ठीक है तो ये बेसिक आपसे इतना ही अगर आप दो से तीन साल का एक्सपीरियंस पे इंटरव्यू दे रहे हो तो इतना ही कोड आपसे एक्सपेक्ट करते हैं और इतना अगर आप एक्सप्लेन कर दियो लाइन बाई लाइन देन इट्स इन फॉर दैट इंटरव्यू तो होप्स होगा इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा क्योंकि यू नो सिंगल्टन डिजाइन पैटर्न क्या होता है और किस तरीके से उसका कोड कर, 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 कर लिख सकते हैं और uh, फिर इसको सिनारियों को कैसे एक्सप्लेन करना है इंटरव्यू में यह सारी चीज़ें समझ में आया होगा तो अगर गाइज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज कि आपको इस चैनल पर इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे ओके गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक तो के लिए कीप लर्निंग टेक केयर बाय बाय अ नाइस डे